चलिए ठीक है, अभी हम टूल्स के बारे में बताते हैं। ठीक है तो इधर हम बैठिए। तो देखिए अभी हम लोग लाइन से स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है, ये पूरा क्या क्या टूल्स है ये पूरा हम लोग चेक कर लेते हैं कि कौन कौन सा टूल्स है, मतलब उसका क्या क्या वर्क है। अभी ऑटोकैड सॉफ्टवेयर और ये दोनों का सेम सेम नहीं रहेगा, उसमें कमांड डाल कर बना लेते हैं। लेकिन इसमें कुछ ऐसा बेसिक टूल्स दिया हुआ रहता है कि ताकि वो आप अपने से, मतलब कोई भी पिक्चर आ गया उस सिचुएशन में मॉडिफाई करना है तो अब ऑटोकैड में नहीं ले जाने का ज़रूरत है, डायरेक्ट आप यहीं पर मॉडिफाई करके अपना कटिंग कर सकते हैं। तो ये देखिए लाइन है, लाइन को हमेशा इसे पकड़ के थोड़ा सा छोटा सा हम सीधा क्लिक करेंगे। ठीक है, राइट क्लिक करेंगे, कैंसिल न्यू लाइन, मतलब कि हमको फिर कमांड को हमको कैंसिल भी करना है। ठीक है, अब फिर हम इसको सेलेक्ट करेंगे। अब ये देखिए साइज डालने के लिए स्केल में दिया है, आप ये लाइन कितना भी छोटा चाहे बड़ा बना लीजिए, लेकिन साइज आपको यहाँ से ही कंट्रोल करना है। अब मॉडिफाई साइज हम डाल दिया, अब देखिए करंट का साइज 69.4 है, 69.4 है। अब यहाँ पर हमको करंट का साइज कितना का भी बनाना होगा, मान लीजिए 500 या 520 का बनाना है। ओके किए, अब ये देखिए ये जो स्केल सेंटर दिया हुआ है, मतलब कि ये यहाँ से इधर की तरफ भगाएंगे या कैसे, मतलब आपको साइज देखना है। अगर टॉप टू राइट किए हैं तो यहाँ से इधर का साइज जाएगा, अगर हम ये टॉप टू लेफ्ट किए रहेंगे तो साइज यहाँ से यहाँ जाएगा, लेकिन साइज में बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है हमको, कोई इससे कोई इशू इसका इशू कोई नहीं है, हमको डायरेक्ट साइज डालेंगे। ओके करेंगे, देखिए ये मतलब ये साइज हो गया, ये कितना का बन गया, 520 का। यहाँ पर भी दिया हुआ रहता है मेजर, मेजर यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे और इसका एंड पॉइंट पर क्लिक करेंगे, तो देख रहे हैं 520 दिखा रहा है, नीचे में आया 520, ये आया है ना 520, तो वो मेजर है, लेकिन हमको स्केल से साइज हमको डालना है। ठीक है, उसके बाद में ये देखिए ये पॉली लाइन हुआ, अब पॉली लाइन भी आपको ये डिजाइन उजाइन जो भी कुछ बनाएंगे तो डिजाइन उजाइन बनाने के लिए हमको काम में आएगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल कमांड है। और स्केप करेंगे तो ये ट्रायंगल बन गया, फिर इसके बाद में साइज वाइज डालेंगे इसका, तो साइज डाल के मॉडिफाई कर सकते हैं कि हमको कितना बाई कितना रखना है। अगर ये मान लेते हैं कि आपको 300x300 रखना है, यहाँ लॉक कर देंगे, ये वाला सिस्टम दिया, लॉक नहीं करेंगे तो इसके रिगार्डिंग मतलब ये भी मतलब ये हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग ये मतलब चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हमको इसको लॉक कर देंगे। ठीक है, और हम यहाँ पर हमको 250 अपने हिसाब से हमको वहाँ पर साइज डालना है, 300x250 रखना है, तो उसके हिसाब से मतलब ये चेंज होगा साइज। ठीक है, ये हो गया सर्कल, अब सर्कल को हम क्लिक करेंगे। ठीक है, सर्कल को हम क्लिक करेंगे और उसके बाद फिर हम स्केल में जाएंगे। अब ये सर्कल का हमको कोई एक साइज को क्लिक करेंगे, वो ऑटोमेटिक होगा क्योंकि ये ऑलरेडी राउंड है, तो हम अगर 200 का सर्कल बनाएंगे तो 200 पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक 200 ही होगा, इसमें चेंज नहीं होगा क्योंकि ये पूरा राउंड है। अगर यही बॉक्स टाइप का रहता तो अगर ये साइज डालेंगे तो ये साइज चेंज हो जाता, आपको ये भी डालना रहता, लेकिन हमको इसमें केवल एक साइज सर्कल में एक साइज खाली डालेंगे तो समझिए कि टोटली हो जाएगा। ओके, 200 का है तो 200 का सर्कल बन गया। हमेशा इसमें हम डायमीटर डालते हैं, रेडियस नहीं, रेडियस डालना रहेगा तो डाल सकते हैं, लेकिन रेडियस वही 50% उसका है। तो अब इसमें दूसरा NC स्टूडियो में सॉफ्टवेयर में यहाँ पे डिटेल्स दिया रहता है, वो हमेशा उसमें हम लोग रेडियस डालते हैं, और ये स्केल में जब हम लोग करते हैं इसी में डायरेक्ट हम लोग डायमीटर डालते हैं। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर है, अगर जहाँ जो रेडियस ज़रूरत रहेगा तो हमेशा आप समझिए कि इसका 50% डालना है, 100 डालेंगे तो 200 का सर्कल बन जाएगा। तो अभी हम डायमीटर डाले हैं 200 का, तो बन गया। अब इसमें देखिए ये अब आर्क दिया हुआ है, ये सर्कल तो हो गया, अब इसमें 3-point आर्क दिया है, स्केन आर्क दिया है और इलिप्स दिया है। ठीक है, अभी हम लोग 3-point आर्क को देखेंगे। ठीक है, तो देखिए 3-point आर्क को हम क्या करेंगे, 3-point आर्क पर क्लिक करेंगे, उसके बाद हम फर्स्ट कॉर्नर क्लिक करेंगे, इसको देखिए स्केप कर लीजिए, 3-point आर्क यहाँ पर क्लिक किए, 3-point आर्क को देखिए यहाँ पर फर्स्ट कॉर्नर पर क्लिक किए, हम सेकेंड यहाँ पर क्लिक किए, यहाँ पर रख लेते हैं, थर्ड हम यहाँ पर रख लेते हैं। देखिए बन गया आर्क ने, ऑटोकैड में भी सेम है, ऑटोकैड में है कि ए इंटर करके आपको कमांड मतलब ऐसे बनाना रहेगा आर्क, इसमें भी ऐसे कोई कमांड के उपयोग, इसमें कोई कमांड डालने का जरूरत नहीं है। उसके बाद में ये देखिए स्कैन आर्क है, स्कैन आर्क का मतलब कि आपको स्कैन करके आर्क का बना, देखिए यहाँ पर हम क्लिक किए, अब ये सर्कल टाइप का मतलब ये ओपन हो रहा है ना, इंडिकेट कर रहा है ना सर्कल जैसा, अब हम यहाँ पर क्लिक करके अब हमको ऐसे स्कैन करना है, कितना तक आर्क जाएगा, हाई सा पूरा जो डॉट डॉट जो लाइन है ये डॉट डॉट लाइन वाला तो हट जाएगा है, ये जो हम स्कैन कर रहे हैं यहाँ तक आर्क मेरा ये ही मेन आर्क रहेगा। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ तक मान लेते हैं ये पॉइंट तक हमको आर्क होना चाहिए, तो क्लिक करेंगे तो देखिए ये वाला आर्क बचा, ये वाला आर्क डॉट वाला आर्क बचा, ये वाला कट डाल कर बनाएंगे,
साइज डालने के लिए। नहीं कमांड वो वाला कमांड जैसा नहीं, ये करके हमको ये कब हमको यूज करना है। देखिए कोई भी हम अगर डिजाइन सपोजेट बना रहे हैं फ्लोर का चाहे कोई चीज़ का मतलब डिजाइन बना रहे हैं, तो वहाँ पे हमको ये मालूम रहेगा ना कि हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक आर्क हमको स्कैन करके यहीं तक आर्क बनाना है कभी मॉडिफाई करने के लिए। ये ज़्यादातर टूल्स यहाँ डिजाइन बनाने के लिए काम में नहीं आएगा, मॉडिफाई करने के लिए ही काम में आएगा कोई भी चीज़ ऑलरेडी आपके पास। ये देखिए हमको यहाँ से यहाँ तक हमको क्लिक किया, ठीक है, ये यहाँ तक हमको क्लिक करना है, ठीक है, तो यहाँ तक मतलब ये आर्क इधर से बन गया जिधर का ये सर्कल था। तो कुछ डिजाइन विजाइन बनाएंगे उसके ऊपर जब मॉडिफाई करेंगे ना तो मालूम चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ये बगल में दिया है इलिप्स, इलिप्स अंडाकार टाइप का मतलब ये एक टाइप का कोई चीज़ बनाना रहेगा, हम ये क्लिक किए और इस पर क्लिक करके जब भी माउस को ऐसे करेंगे तो अब आगे खींचेंगे तो भी बनेगा, पीछे खींचेंगे ऐसे करेंगे तभी भी मतलब ये इलिप्स बन रहा है, मतलब एक टाइप का मतलब कोई अगर चीज़ बनाना रहेगा तो हम ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। इलिप्स का कमांड ऑटोकैड में भी है, ई एल इंटर इसका शॉर्टकट है इलिप्स, ठीक है। और इसके बाद में ये है रेक्टेंगल, ठीक है, अब ये रेक्टेंगल पर हम क्लिक करेंगे, रेक्टेंगल हम ऐसे ही ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद में हम स्केल में अब इसका हमको दोनों साइज चेंज करना पड़ेगा। अब इसको हम डाल लिए 300x150 का बॉक्स बनाना है, तो देखिए 155 हुआ है, हमको वहाँ पर 180 चाहे 150 180 का हमको बॉक्स बनाना है। ओके किए, देखिए हम इसे क्लिक करके उसको पकड़ के इसे खींच के ला सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको मॉडिफाई मतलब कुछ भी चेंज करने के लिए प्रोग्रामिंग करने के लिए कंट्रोल सी डी भी कर सकते हैं, कॉपी किए यहाँ दूसरा हमको बनाना है, पेस्ट किए, हो गया, ठीक है। मूव करने के लिए इसको सारे क्लिक करके इसमें इधर क्लिक करेंगे तो मूव का कमांड जिसे में उसमें एम इंटर ऑटोकैड में था, इसको खाली सेलेक्ट करके कंट्रोल सी किए ना, नहीं कंट्रोल सी से कॉपी होगा फिर कंट्रोल वी से पेस्ट होगा, फिर कंट्रोल वी दबाते रहिए जहाँ मन पेस्ट पेस्ट करते रहिए जब जितना आपको पार्ट चाहिए डुप्लीकेट कॉपी होते जाएगा, ठीक है, समझ रहे ना। और उसमें ऑटोकैड में कहा है कि इसको एम इंटर मूव करना रहेगा तो एम इंटर करना पड़ता है, इसको हल डायरेक्ट सेलेक्ट करके डायरेक्ट इधर क्लिक कीजिए हो जाएगा, कॉपी करना रहेगा पेस्ट करना रहेगा डुप्लीकेट चीज़ बनाना रहेगा तो सी कीजिए और उसके बाद भी कीजिए, ये नहीं कोई भी आइटम को मतलब कीजिए ये होता जाएगा, ठीक है। तो ये चलिए ये हो गया, इसके बाद में ये देखिए अब इसमें रेक्टेंगल हो गया, अब इसमें देखिए राउंड रेक्टेंगल हो गया, जो कॉर्नर पर हम लोग फिलेट नहीं देते हैं, फिलेट करते हैं ना, अब इसी का मान लेते हैं कि फिलेट करना है, ये जो रेक्टेंगल बनाए हुए हैं अब यहाँ पर दिए देखिए फिलेट दिया हुआ है, फिलेट क्लिक किए यहाँ पर हमको कितना एमएम फिलेट करना है, अगर हमको 10 mm फिलेट करना है, ठीक है, यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर भी एरो पकड़ के भी साइज यहाँ से डाल सकते हैं, नहीं तो कीबोर्ड से भी साइज डाल सकते हैं हर चीज़ में, तो हम 10 किए, ओके किए, ओके किए। अब ये देखिए हमको ये कॉर्नर पर क्लिक करेंगे तो 10 mm का राउंड हो जाएगा, ठीक है। फिलेट का काम मालूम है ना, उसमें भी आप एफ इंटर आर इंटर आपको कमांड बताए हैं फिलेट करना, तो आप यहाँ से ऐसे फिलेट कर लेंगे, अब ये 10 mm फिलेट हो गया, ठीक है। और ज़्यादा साइज डालेंगे तो और साइज ज़्यादा डाल लेंगे तो और हो जाएगा, ठीक है। अब ये हम लोग चलते हैं इसको देखिए, ये राउंड रेक्टेंगल को बनाकर ये देखिए ये हम राउंड रेक्टेंगल क्लिक किए, लेकिन अब इसमें देखिए आपको अगर हम बहुत ज़्यादा ऐसा करेंगे तो स्लॉट भी बन जाएगा, और हमको थोड़ा सा हमको राउंड टाइप का चाहिए चाहे थोड़ा सा तो हम क्लिक कर लेंगे, ये देखिए देखिए ऑन साइज का है अभी ये, ठीक है, ये ऑन साइज का है। उसके बाद में देखिए ये पॉलीगॉन स्टार पॉलीगॉन भी हुआ, अभी आप उसमें जाकर यहाँ पर क्लिक किए, अब आपको पॉलीगॉन कैसा चाहिए, और एक मिनट पॉलीगॉन को क्लिक करके पॉलीगॉन पर क्लिक किए, ठीक है। अब हमको यहाँ पर क्लिक कर लिए, अब इसका हमको साइज जाकर स्केल में जाएंगे और स्केल में जाकर हमको साइज डाल देंगे, वो पॉलीगॉन जो है वो कैसा मतलब कितना मतलब बड़ा हमको रखना है, कभी ये डिजाइन में डालते समय में हमको यूज करना है पॉलीगॉन, जो भी डिजाइन विजाइन बनाना रहेगा कम बाई साइज बाई साइज, तो आप तो ऑटो कट में बना ही लेंगे, कॉर्नर उसका बड़ा करेंगे तो मतलब ज़्यादा चाहिए हमको कॉर्नर तो ये स्केल में इसका साइज डालेंगे तो वो साइज के अनुसार ही बढ़ेगा ना। अगर ये 200 ये है 500 अगर हम डाल दिए यहाँ पर, यहाँ पर क्लिक किए एक कीबोर्ड का नंबर नहीं आ रहा है, अब चलिए यहाँ पर क्लिक कीजिए 500 डालिए, ये इसको लॉक कीजिए, इसको भी हमको 500 ही चाहिए,
ओके किए तो उसके रिकॉर्डिंग जिससे मैं देखिए बढ़ गया। अब ये नीचे का 500 नहीं लेना चाहिए था, उसकी रिकॉर्डिंग लेना चाहिए था। तार जो कोना रेंज में है ना, तो हम चाहते हैं कि 8 ना, तो वो आपको अरे मेरे करना जो भी सिस्टम है वो तो उसमें दिया हुआ है ना ऑटोकॉड। ये इसमें जो थोड़ा बहुत जो टूल्स दिया रहता है आपको मॉडिफाई करने के लिए, कुछ डिजाइन जिससे मैं बना रहे हैं डिजाइन ऑलरेडी कटिंग कर रहे हैं, उस सिचुएशन में आपको लग रहा है कि नहीं ये पार्ट ऐसे नहीं है यहाँ पे ये रहेगा, अच्छा हमको कुछ थोड़ा बहुत हमको फुल पत्ती का डिजाइन काट रहे हैं कस्टमर का रिक्वायरमेंट है कि नहीं यहाँ पे ना ऐसा टाइप का कुछ डिजाइन डाल दीजिए, अच्छा ये स्टार टाइप का कुछ हमको यहाँ पे डिजाइन डाल दीजिए, तो अब हमको ये स्टार टाइप का क्लिक करके कैसा भी चाहिए ऐसा चाहिए तो उनको ऐसे कर लेंगे, बाहर टाइप का चाहिए तो बाहर टाइप का कर लेंगे, ठीक है। तो हमको उस थोड़ा सा एडिशनल ऐड करने के लिए हमको उसमें डिजाइन ऐड करने के लिए ये हम डालेंगे, और ये स्टार का हमको स्केल में जाकर साइज रख देंगे कितना भाई, ज़्यादा भी तो नहीं हमको 100x100 का छोटा सा हमको ये स्टार चाहिए, ये छोटा सा स्टार हमको उसको डिजाइन के साइड में ऐड कर, जैसे कृष्णा जी कैसे कृष्णा जी के साइड में आगे पीछे में थोड़ा सा स्टार लगा हुआ रहता है तो डिजाइन में, तो ऐसे हम एडिशनल उसको ऐड कर देंगे। अब देखिए अब हमको टेक्स्ट यूज करना है, ठीक है। अब टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, जब इस पर कहीं क्लिक करेंगे ऑटो कैड पे ये स्क्रीन पर कहीं भी क्लिक करेंगे तो देखिए ऊपर में पेज ओपन हो जाएगा वो देखिए, और बाकी का सॉफ्टवेयर में क्या है, इनसे स्टूडियो में भी सॉफ्टवेयर में क्या है ना कि आपको इसे क्लिक करके इसे ड्रॉ करना रहेगा, ड्रॉ करके चाहे ऑटो कैड में भी ड्रॉ करके तब आपको राइटिंग करना है, इसमें है ना कि डायरेक्ट क्लिक कीजिए। अब इस पर देखिए सेलेक्ट करेंगे क्लिक करेंगे तो देखिए ऐसा ऊपर में इंटरफेस खुल कर आएगा, ऐसे देख रहे हैं टेक्स्ट का फॉन्ट का ये चीज़ का। अब हमको ऊपर को इसको हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको क्लिक करके जो इंसर्ट टेक्स्ट दिया हुआ है राइटिंग करेंगे, हाँ इंसर्ट टेक्स्ट पे हमको राइटिंग करना है, इंसर्ट टेक्स्ट पे राइटिंग करना है कुछ भी हमको नाम मतलब ये है, तो हम अपना कीबोर्ड के सहारा से आप कुछ भी लिख दीजिए लेटर करके, ठीक है। और उसके बाद में अब ये देखिए यहाँ पर क्या दिया, ये देखिए आपका ये फ़ॉन्ट दिया हुआ है कि थोड़ा सा कुछ भी थोड़ा बहुत फ़ॉन्ट आपको चेंज करना रहेगा तो आप थोड़ा बहुत फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर दिया हाइट और विड्थ, तो अभी हम इसको ये देखिए कितना डिग्री भी दिखाया है कि कितना डिग्री में रखा है, अगर यहाँ हम 45 डिग्री रखेंगे तो ये 45 डिग्री में रोटेट हो जाएगा, लेकिन हमको नहीं 0 डिग्री ही रखना है, ठीक है। उसके बाद में ये देखिए अभी इसको अगर टेक्स्ट टू कर्व कर देंगे तो आपका कटिंग फाइल हो जाएगा, टेक्स्ट टू कर्व कर देंगे तो ये अब देखिए अब ये सिंगल लाइन हो गया, अब पहले आपको सिंगल लाइन नहीं था ग्रुप में लाइन था, ठीक है। लेकिन अभी हम इसको कम से कम एक साइज़ में बना लो, अब एक अगर हम एक बॉक्स बनाते हैं नेम प्लेट कटिंग करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। चलिए यहाँ पर हम इसको क्लिक किए माउस को स्केप कर दिए, ठीक है। और ये पहले बॉक्स को हमको साइड में रखूँ, इसको हम ग्रुप कर दो, नहीं ग्रुप करेंगे अगर हम सेलेक्ट करके टोटल को अलाइन सेंटर करेंगे, ये देखिए इससे अलाइन सेंटर होगा, ये पूरा सेंटर में चला गया, तो ये देख रहे हैं एक पे एक मतलब हो गया है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में हमको क्या करना है, कंट्रोल जेड करना है और हमको पहले इसको ग्रुप कर देना है, यहाँ पर देखिए ग्रुप का ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, हम ग्रुप कर लेंगे, ठीक है। ये ग्रुप कर लिए, ग्रुप हो गया, अब हमको ये दोनों को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में अलाइन सेंटर करेंगे। अब देखिए अलाइन से पूरा हर बॉर्डर साइड से पूरा हमको इक्वल हो गया, इक्वल है ना टोटल। अब उसके बाद इसको सेलेक्ट करके हमको अनग्रुप कर लेंगे, डीग्रुप कर देंगे, ठीक है। अब ये सिंगल लाइन हो गया, लेकिन अब हमको इसको सेलेक्ट करके हमको एक साइज हमको डालना है कि कितना बाई कितना में नेम प्लेट ये कटिंग करना है, ये 100x20 दिया हुआ है, चलिए हम 500 डाल देते हैं, 500x97 है, हम 120 डाल दे रहे हैं, ओके किए, ओके ठीक है। ये बन गया ऐसा टाइप का शो, ऐसा टाइप का दिखेगा, ठीक है। लेकिन अभी इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है देख रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है कि अगर कटिंग करेंगे इसमें क्या पॉइंट प्रॉब्लम नहीं, कटिंग पॉइंट का क्या प्रॉब्लम है, कटिंग पॉइंट को तो स्टार्ट पकड़ के स्टार्ट पोजिशन पकड़ के आपको यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं, तो वहाँ से भी कटिंग स्टार्ट हो सकती है। लेकिन और कुछ देखिए कि इसमें क्या कॉमन चीज़ है कि मतलब वो दिक्कत होगा, देखिए जो ए है ये का जो अंदर में दिया हुआ है अगर इसको हम यहाँ कट नहीं लगाएंगे तो ये नीचे गिर जाएगा, जब ये नीचे गिर जाएगा तो आपको जब बॉडी निकलेगा तो ऐसा दिखेगा आपको, तो ख़राब दिखेगा, ठीक है। तो उस सिचुएशन में हमको ए हुआ ई हुआ साथ में ये जी हुआ ये सबको हमको कट लगाना है, नहीं तो कटिंग ये गिर जाएगा नीचे तो बहुत ज़्यादा ख़राब दिखेगा, अगर समझिए कि जी का ये पार्ट कटिंग नीचे गिर जाएगा
ये देख रहे हैं ऐसा दिखेगा तो कितना ख़राब लगेगा ना जी। तो इसीलिए यहाँ पे हमको कट लगाना है। कभी भी ऐसा आ गया कोई ज़रूरी नहीं कि उस जगह पे ए है, बी भी हो सकता है, बी में भी डबल अंदर में रहता है, सी में नहीं, डी में भी हो सकता है, ओ में भी हो सकता है। उस सिचुएशन में आपको कैसे इसको होल्ड करना है, कट लगाना है। तो यहाँ पे देखिए ब्रिज कटिंग दिया रहता है ऊपर में, ठीक है, ब्रिज कटिंग। अब ब्रिज कटिंग पे क्लिक करेंगे, अब हमको ये देखना है कि हमको उसको चौड़ाई जो है हमको कितना उसका विड्थ रखना है, ताकि मतलब वो जॉइंट भी रहे, ज़्यादा भी ना बड़ा रखो कि ताकि वो ख़राब दिखे। ऐसा मीडियम में हमको रखना है ताकि वो मतलब ये टूटे भी ना और जॉइंट भी रहे। तो अगर हम ये पहले हम साइज़ चेक कर लेंगे कि कितना इसका ये है साइज़ है इसका। यहाँ पे गए मेजर में जाएंगे, मेजर में क्लिक करके इसका साइज़ देख रहे हैं, ये दिखा रहा है 2.5 mm का लगभग दिखा रहा है, ठीक है। चलिए हम 3 mm तक इसका हम 3 mm हम इसका रखेंगे, 2.5 mm 3 mm हम भी रखेंगे, ठीक है। तो ब्रिज कटिंग पे गए, यहाँ पे साइज डाल दिए 2.5 mm, ठीक है, ओके किए। अब हमको क्या करना है कि देखिए ये लाइन पे ऐसे हमको क्लिक करना है। आप सीधा क्लिक करेंगे तब भी सही है, टेपर भी क्लिक करके डिजाइन डाल सकते हैं जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। आप क्लिक करेंगे तो देखिए ऐसा कट गया, ये समझिए कि 2.5 mm यहाँ पे गैप हो गया, यहाँ पे एडवांस हो जाएगा। जब कटेगा तो ये कट करके नीचे गिर जाएगा, जो ये वाला पार्ट कट करके नीचे गिर जाएगा, ये भी पार्ट करके कट करके नीचे गिरेगा, लेकिन ये जैसा सेप दिखेगा क्योंकि ये होल्ड रहेगा यहाँ पे, ये वाला जो रहेगा ये होल्ड रहेगा, ठीक है। तो ये मतलब ऐसे बनाना चाहिए। अब यहाँ पे भी है, ई में भी हम लोग डाल देंगे ब्रिज कटिंग। ब्रिज कटिंग पे क्लिक किए, ओके किए, 2.5 mm काफ़ी है हमको। इधर खाली एक साइड में हम खाली लगा दे रहे हैं तो एक साइड में ही रहेगा, चाहेंगे तो दो साइड में भी लगा सकते हैं, लेकिन खाली एक साइड में भी होल्ड रहेगा ये, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ए हो गया, उसके बाद में ये जी हो गया, ठीक है। तो अब हमको जी को यहाँ से क्लिक किए, यहाँ पे देखिए इधर जी में डाल दिए, फिर इधर से क्लिक किए, इधर हम दोनों साइड में डाल दिए क्योंकि ये भी तो गिर जाएगा ना नीचे, तो हम इसमें डाल दिए, ऐसे बनेगा। अब जाके ये आपका फाइनल मतलब ये रेडी हो गया है। अब इसके बाद आपको लीड लाइन डालना है, सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में लीड लाइन में जाएंगे, लीड लाइन में 90° होना चाहिए लाइन रहेगा, काफ़ी सही है। इसके बाद में हम इसको 1.5 mm लीड लाइन डाल रहे हैं, ठीक है, 1.5 mm लीड लाइन उसको, ताकि उस थोड़ा सा उधर से कटिंग करेगा मतलब, तो ओके करेंगे। अभी देखिए लीड लाइन ले लिया है, ठीक है, ये लीड लाइन ले लिया है। अब ये देखिए अंदर सब कुछ, ये अंदर वाला पार्ट में अंदर ही लेना चाहिए क्योंकि अंदर का ही पार्ट गिरेगा। अगर ये बाहर हमको ये पीस चाहिए, ये वाला पीस चाहिए, ठीक है। अगर इधर अगर आपका लीड लाइन अगर इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, मान लेते हैं इसको इतना हम सेलेक्ट कर लेते हैं, और ये देखिए लीड लाइन को हम आउटर कर दे रहे हैं, ये इनर करेंगे तो इनर हो जाएगा, आउटर करेंगे तो आउटर हो जाएगा, हम आउटर कर दे रहे हैं। तो अब मेरा फेस ये है ख़राब कर देगा। अगर ऐसा लीड लाइन रहेगा तो आपको मोडी पे सेलेक्ट करके, एक तो आपको इनर पर क्लिक करके अंदर करना है, और नहीं तो आपको ऑटो शॉट डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक सही ले लेगा, ठीक है, ले लिया सही। और लेके हमको ये पेज चाहिए, ये हमको पेज डैमेज कोई हालत में हमको ये डैमेज नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ये देखिए स्टार्ट पोजीशन मेरा यहाँ पे है, अब उस स्टार्ट पोजीशन को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम क्लिक किए, अभी आपका इधर से राइट जाएगा, राइट से लेफ्ट होकर जाएगा। अब हमको ये कैंसिल पहले कर लेते हैं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, लाइन को। इसके बाद हम रिवर्स कर देंगे, ठीक है, रिवर्स कर दिए तो ये देखिए डाउन साइड में पहले आएगा, उसके बाद राइट साइड में आएगा, और अपना होम रेफरेंस भी हम इसी साइड में रखेंगे, बॉटम टू लेफ्ट रखेंगे, जिधर स्टार्ट पॉइंट रखे हैं, ठीक है। तो अभी हम मेरा हेड आपका यहाँ पे है, इसको सेलेक्ट किए, क्लिक किए, यहाँ पे मेरा हेड रहेगा, ठीक है। उसके बाद में हमको यहाँ पे हम प्रोसेस सेलेक्टेड ही वाली ऑन रखेंगे, प्रोसेस सेलेक्टेड ऑन किए रहेंगे तो इतना पार्ट कितना भी डिजाइन हो, क्योंकि जो हम प्रोसेस सेलेक्ट किए रहेंगे उसी को हम कुछ भी करेंगे, सिमुलेशन स्टार्ट करेंगे तो वही वर्क होगा, नहीं अगर प्रोसेस सेलेक्टेड किए रहेंगे तो कोई दूसरा मतलब कोई भी ले सकता है। अब ये देखिए, ये कल ही हम इसके बारे में बताए थे, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, जैसे मन वैसे हम कटिंग कर सकते हैं। ये देखिए नीचे में टाइम ये शो कर रहा है 1 minute 27 seconds, ठीक है, ये हो गया कम्प्लीटेड।
बाकी का लेयर वेयर के बारे में भी अभी बताएंगे। ये देखिए टूल्स वूल्स के बारे में बता रहे थे। अब इसके बाद में ये यहाँ पे इसके बाद में ये देखिए स्टैंडर्ड पार्ट भी कुछ दिया हुआ है। ये स्टैंडर्ड पार्ट कुछ ड्राइंग दिया रहता है तो हर मशीन में रहेगा कि ये आप अपने से मतलब डिजाइन नहीं भी उधर से बनाए तो आप अपने इधर से कुछ ले सकते हैं पार्ट को। अगर ये रिंग लेना रहेगा तो रिंग के लेंगे तो आउटर और इनर साइज डाल देंगे, सर्कल लेंगे तो उसका भी साइज आप डाल देंगे जो जो साइज पूछेगा, रेक्टेंगल लेंगे तो रेक्टेंगल पर क्लिक कीजिए। आप रेक्टेंगल आप बाहर का बॉक्स कितना बाई कितना रखना चाहते हैं तो चलिए बाहर का बॉक्स आप हाइट है, ये विड्थ है, ये चौड़ाई है और ये लंबाई है। तो अब हमको 500 जो है उसको हम रख देते हैं 250, क्लिक करेंगे और 250 रख दे रहे हैं, ठीक है। ये जो 800 है इसको हम रख लेते हैं 450। और ये स्क्रू होल रेडियस है 50 mm जो है वो हम 12 mm रख लेंगे, ठीक है। और सर्कल होल टू सेंटर कितना mm चाहिए वो हम रख लेंगे 40 mm रख लेंगे, ठीक है। हम ओके किए। अब वो मेरा रिकॉर्डिंग जिसे मैं चाहिए हमको उसके रिकॉर्डिंग मेरा प्लेट बन गया। एक तो आप इसको ऑक्टोकैड में बनाएंगे, एक तो बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स बनाकर उसको ऑफसेट करेंगे, अच्छा एक होल को कोना पर रखकर उसको मूव कर लेंगे, कितना दूरी पर चाहिए 20-20 दूरी पर चाहिए तो 20-20 दूरी पर करके उसके बाद उसको मिरर कर लीजिए, नहीं तो चारों कोना पर बनाइए, अदरवाइज एक सर्कल बन जाएगा। अगर ये एक सर्कल भी बना रहेगा तो उसको आप मिरर कर सकते हैं इधर, फिर ये दोनों को सेलेक्ट करके मिरर कर लेंगे इधर, आप क्लास बन गया, ठीक है। अच्छा इधर से भी आप बना सकते हैं स्टैंडर्ड पढ़ लेगा। ये देखिए आपको ट्रिम दिया है और स्टैंड दिया है। ट्रिम माने तो आपको मालूम है कटिंग करना होता है, स्टैंड माने देखिए ट्रिम कट किए ये कट हो गया, हमको ये लाइन कटना है कट गया, ये लाइन पर क्लिक करेंगे ट्रिम, कुछ ज्वाइंट पार्ट में हम लोग चलते हैं। ये देखिए ये सब कुल पार्ट ज्वाइंट है, ठीक है। अब हम ट्रिम कमांड लेंगे, ठीक है। अब हमको ट्रिम कमांड लेगा, कभी कभी क्लिक नहीं हो रहा है, देखिए लेगा तो जब येलो कलर का हिस्सा इंडिकेट करेगा, ठीक है। अभी हम कट कर सकते हैं। और ये दिया हुआ है एक्सटेंड, मान लेते हैं कि एक्सटेंड यहाँ पे एक लाइन बना लेते हैं, ये लाइन क्लिक किए, ठीक है, स्केप किए, फिर देखें यहाँ पर लाइन क्लिक किए, ठीक है। अब हमको इस लाइन को इसमें जोड़ना है एक्सटेंड मतलब, तो हम एक्सटेंड पर क्लिक करेंगे और हम जब इस पे लाइन पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए एक्सटेंड हो जाएगा, हो गया ना। और ट्रिम माने कटना, एक्सटेंड माने जोड़ना, इसको कट किए, अच्छा एक्सटेंड का ही कमांड है, अब ट्रिम का कमांड आ गया, ठीक है। तो ये ट्रिम का काम है, ये एक्सटेंड का काम है। तो चलिए आज हम लोग इस टूल्स को हम लोग आज इतना ही काफ़ी है, आज ये टूल्स कवर कर लिए। कल के दिन हम लोग पूरा ये होम पेज ड्रॉ होम पेज को पहले कल कवर करेंगे, उसके बाद में देखिए ड्रॉ में तो यही जो डिटेल्स दिया हुआ है यही ड्रॉ में दिया हुआ है, बाकी का ही नेस्टिंग कवर कर लेंगे, सीएनसी में कवर कर लेंगे, सीएनसी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में खलासे ज़्यादा दिन नहीं, 3-4 दिन में मतलब कवर हो जाएगा। अब इसको आप लोग थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है।